हेलो एवरीवन, मैं पूजा यादव। आज हमारा टॉपिक है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो एनसीईआरटी पढ़ने के बावजूद भी नीट में सक्सेसफुल नहीं है। वैसे हम जानते हैं कि एक सिंगल पेपर हमारी पूरी लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकता, फिर भी कुछ बच्चे हैं जो ही सिर्फ लिमिटेड बच्चे ही सिलेक्टेड हो रहे हैं नीट में, और मोस्ट ऑफ जो है वो फेल हो जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? फर्स्ट थिंग्स की जो हमारी सीटें हैं MBBS गवर्नमेंट सीटें, वो बहुत ही लिमिटेड हैं। एटलीस्ट 45,000 तक ही बच्चे सिलेक्टेड हो रहे हैं। हमें पता है कि जो ड्रॉपर टू टॉपर रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, क्यों टॉपर की अपेक्षा बहुत ज़्यादा टॉपर हैं। सेकेंड थिंग कि जो नीट का एग्ज़ाम है वो बहुत ही पॉपुलर एंड इसमें बहुत ही ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एटलीस्ट 80 लाख के अबव बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसके वजह से कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। तो इसके वजह से भी जो चांसेस है सक्सेस के वो भी कम हो रहे हैं। थर्ड वन की जैसा कि आप जानते हैं कि सपना देखना जितना ही इजी है, उसे अचीव करना उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसके अचीव करने के लिए आप में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, हार्ड वर्किंग एंड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देखो, बच्चे वही इस नीट को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं जिनमें इसकी कमी है। उनमें बहुत ज़्यादा ना तो इनफ पेशेंट्स है, ना कंसिस्टेंसी है, ना इतना एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस है उनमें। ये सब की कमी है उनमें, इसके वजह से वो नीट को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। तो